आप माइथोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अभी भी जैसा आपने वो गोवर्धन वाली कथा के पीछे का जो मतलब बताया, गो और वर्धन, और उसके बाद जो नीचे पालनहार और गोपाल का मतलब, तो उसमें से आपकी, हमारे जो भारतीय पौराणिक इतिहास है, इसमें से आपकी सबसे फेवरेट ओके कहानी कथा कौन सी है, जो कि जिसको आप बहुत सिग्निफिकेंटली बताना चाहते हैं स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को? अच्छा, तो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा कुछ लोगों के, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये मेरी फेवरेट है, थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा, एंड ठीक मेरा उसमें मास्टरी है, इजी कर सकता हूँ चीजों को। है। ये जो कहानी हम सुनते हैं ना बचपन से, कि पार्वती जी नहा रही थी, गणेश जी उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे, और शिव जी आए और शिव जी ने गणेश जी को जो है अपने त्रिशूल से उनका गला जो है, उनका सर जो है वो उड़ा दिया। अब ये चीज माइथोलॉजिकल वे में हमें ऐसे समझाई गई है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंदर पार्वती यानी देवी शक्ति, और शक्ति को कुंडलिनी कहा गया है। अब ये कुंडलिनी होती है हमारे मूलाधार चक्र के अंदर, जहाँ वो रूट चक्र में स्थित होती है। मूलाधार चक्र के देवता है गणेश जी, गणेश। राइट। और शिव कौन है, अभी मैंने कहा पूरे पॉडकास्ट के दौरान शिव कौन है, हम शिव हैं। अब जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो अब हम शिव ध्यान हम करते हैं कुंडलिनी के लिए, ताकि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार से बाहर आए और ऊपर वो उठे। ऊपर के चक्र में आए, ताकि हम लाइफ को अच्छे से जी पाए। अब मूलाधार में जो देवी शक्ति थी वो है पार्वती जी, उनकी रक्षा कर रहे हैं मूलाधार जो बंद है, यानी वो अंदर नहा रही है, मूलाधार बंद है, गणेश जी। अब मैं शिव, मैं ध्यान करने बैठा, तो अब मैं जा रहा हूँ मेरी कुंडलिनी को उठाने के लिए बाहर। तो मैं जब कुंडलिनी को उठाने जाऊंगा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मूलाधार को खोलना पड़ेगा। मूलाधार कौन है, गणेश जी। तो मैं फोर्स से, योगिक वे में होता है मूल बंध, जहां मूलाधार पे फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि शिव यानी मैंने मेरे अंदर के गणेश का गला काट दिया, ताकि वो मूलाधार जो है वो खुल गया और अब शक्ति वहां से बाहर आएगी। लेकिन फिर वो शक्ति जब बाहर आती है, गुस्से में बाहर आती है कि क्यों आपने मेरे बेटे का गला काट दिया। तो कुंडलिनी जब ऊपर उठती है ना, बहुत फोर्स से उठती है, जलती हुई आपको जलन महसूस होती है आपके शरीर में। तो वो जलन को समझाया गया है उस स्टोरी में, कि पार्वती जी बाहर आते हैं दौड़ते हुए कि आपने क्यों मेरे बेटे का गला काट दिया। बाहर आएंगे और कुंडलिनी एक बार ऊपर उठती है ना, फिर वो वहां रहती नहीं है, वो फिर से डिसेंड हो जाती है। एक टाइम के बाद ध्यान आपका खत्म हुआ, वो डिसेंड हो जाएगी। तो फिर वो कुंडलिनी बाहर आकर कहती है कि आपने क्यों ऐसा किया, मेरे बेटे का फिर से सर लगा दो। तो वो फिर से नीचे जाता है और उस बेटे का सर लगा देते हैं, लेकिन अब उस बेटे का सर हाथी का सर लगाया। हाथी क्या है, विजडम। एक बार कुंडलिनी ऊपर उठ के फिर से गई, तो मूलाधार अब नेगेटिव एनर्जी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, एंड दैट इज वाई एलिफेंट इज देयर। और ये भी कहा गया है कि माता पार्वती ने गणेश जी को अपने मैल से बनाया है। अब ये चीज कैसे बताई गई है, मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी जो है वही मैल है, और वो मूलाधार चक्र के अंदर जो मैल है उसी के आगे बैठे हैं गणेश जी, जो उनके देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी देखो कैसे रिलेट हो रही है, कि मूलाधार चक्र की जो नेगेटिविटी है, जो मैल है, उसी से गणेश जी बने हैं। यहाँ ये रियलिटी में मैल नहीं है, रियलिटी में कहा जा रहा है, सिम्बॉलिकली समझाया जा रहा है। तो ये सारी स्टोरी जितनी भी आप स्टोरीज देखेंगे, सब में हमारे अंदर के योगिक रीजंस छिपे हुए हैं। तो ये चीज है, वो अच्छा है। इवॉल्व हो रहा है जी, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पर मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। बिल्कुल बलि जो होती है, बलि प्रथा जो होती है, आज भी बहुत सारे इलाकों में बलि प्रथा का कल्चर है, और बाकायदा दी जाती है जानवर की बलि। पहले इंसान की बलि भी दी जाती थी, गौतम बुद्ध ने इसका बहुत विरोध किया था, श्रुतियों का हवाला भी दिया था। हाँ जी। कि जी आपकी श्रुतियों में ही लिखा हुआ है, भाई क्यों आप जानवरों और मनुष्यों की बलि दे रहे हो, बहुत विद्रोह किया था। आज के दौर में भी वही चल रहा है, तो बलि का कॉन्सेप्ट समझना चाहती हूँ, क्योंकि देवी को जनरली बलि दी जाती है और देवी सृजन का एक समझ सिंबल है। हाँ जी। तो वो चीज क्यों हमारे कल्चर में आई, वो चीज क्यों अभी भी वो कैरी फॉरवर्ड होते होते, थोड़ी बची है लेकिन बची है। नर बलि भी होती थी, आई एग्री विथ यू, लोग एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जब बलि लिखा गया है ना, तो बलि का मतलब ये नहीं कि जानवर को काटो और मनुष्य को काटो। मैं समझाता हूँ क्या कहा जा रहा है शास्त्रों में, ये भी एक सिम्बोलिज्म है, इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों को। अब मैंने आपको बताया कि मूलाधार चक्र एक नेगेटिव चीज, मूलाधार जानवर में भी होता है, मूलाधार के अंदर ही सेक्सुअल एनर्जी होती है जिससे बच्चा पैदा कर सकते हैं। मूलाधार नहीं होता तो वी कांट रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहीं पर वो एनर्जी छिपी है, वहीं से ऑर्गेजम वाली फीलिंग आती है, वो फीलिंग वहीं से निकलती है। जानवर भी कर सकते हैं, राइट, दे कैन इवन गिव अ बर्थ टू न्यू चाइल्ड, हम भी कर सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो सब कुछ हम वहीं से करते हैं, जठराग्नि वहीं पर होती है हमारी।
लेकिन अब हमारे अंदर और ऊपर के चक्र है जो उनमें नहीं होते हैं, राइट। अगर वो अग्नि अब ऊपर की तरफ आएगी तो हम कॉन्शियसनेस को और इवॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए इवॉल्व हो रही है ना, अभी पहले के लोग और आज के यूथ के जनरेशन को देखो, देयर कॉन्शियसनेस हैव गॉन टू अनदर लेवल। अब नीचे जो मूलाधार है वो जानवर में भी है, तो हमारे अंदर भी जो हम सेक्स या कोई भी चीज की टैबू टॉपिक की बात करते हैं वो सब कुछ एक एनिमल क्वालिटी है। इसी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना, जब भी हम सेक्सुअल चीजें की बात करते हैं कि अरे इसमें तो उसका जानवर जग गया, कितना जानवर जग गया, क्या क्या कर रहा है, वी यूज दिस टर्म्स। तो हमारे अंदर एक एनिमल क्वालिटी है जिससे ही हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब एनिमल क्वालिटी के ऊपर आती है एक ह्यूमन क्वालिटी, जहां हम अभी राज कर रहे हैं इस धरती पर। हम प्लांट्स का यूज करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, एनिमल्स का यूज करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए। तो एनिमल क्वालिटी और नर क्वालिटी ये हमारे अंदर है। अब जब ये कहा गया है कि माता को बलि दो, माता कौन है? कुंडलिनी। अब इस कुंडलिनी को, हमारे अंदर की शक्ति को, मैं सब जगह कुंडलिनी नहीं शक्ति की बात करता हूं, अगर इस शक्ति को अगर हम वहां से यहां लेकर आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने एनिमल नेचर को त्यागना पड़ेगा, उसके बाद इस नर नेचर को त्यागना पड़ेगा। यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो पहले एनिमल नेचर, काम वासना दूर, फिर शरीर का जो मोह था वो दूर। तो यहाँ क्या हुआ? जानवर की बलि और नर की बलि। तो बलि इस प्रकार से बताई गई थी, लेकिन अब ये लोगों को समझाया कैसे जाए, क्योंकि सबको पता ही नहीं होता ये क्या बकवास है कुंडलिनी, ये क्या है मूलाधार, हमें तो पता नहीं क्या होता ये। अब इस चीज को समझाया कैसे? कुछ संप्रदाय ने शुरू किया रियालिटी में जानवर को काटना, जिससे वो समझा सके कि ये देखो जानवर जैसे हमने काटा वैसे आपको आपके अंदर के एनिमल की भी बलि देनी है। लेकिन अब वो जो सीख थी जानवर को काटते समय, वो सीख तो रही नहीं, वो जानवर को काटना शुरू कर दिया। बकरी का सर अलग हो जाए, वो पूरा हिलता है, मैंने देखा है। ये एक बहुत घटिया चीज है जो हमारे कल्चर ने आज भी यूज कर रखी है। इसके पीछे का जो सिंबोलिज्म है वो लोग भूल गए, इसको अब ये समझ के कर रहे हैं कि माँ काली को पसंद है। ये बेवकूफी वाली बात है ना, कि जो देवी जिसने इन सबको बनाया उसको कैसे उसका बच्चा काटा हुआ पसंद होगा? वो थोड़ी पसंद करेगी। लेकिन अब लोगों ने इसको एक वो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ढोंग करते हैं तांत्रिक जो बकरी वाला एग्जाम्पल दिया, वो ऐसा करते करते अब बलि में से भी धंधा बन गया और लोग कर रहे हैं। अब हाँ, अघोरी कल्चर की बात करें तो वहां पर कुछ कुछ जगह पर जरूरत होती है ब्लड की, जरूरत होती है कुछ ऐसी चीजों की, लेकिन वहां एक जिंदा मुर्गे को या जिंदा बकरी को नहीं काटता है। जो पहले से डेड हो चुकी है, जो शरीर मर चुका है, उस शरीर का यूज करते हैं, आत्मा का नहीं। तो एनिमल बलि और नर बलि का कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन बलि को लोगों ने रियलिटी में काटना समझ लिया, जो हमारा कल्चर कभी नहीं रहा है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये अपने नर और अपने जानवर को त्याग दो, ये बलि करो तो आप काली तक पहुंच जाओगे।